नमस्कार दोस्तों, सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सहर्ष दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारत सरकार ने, हमारे संरक्षण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में अग्निवीर आर्मी भर्ती के लिए एआरओ का आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान अब तक पुणे और औरंगाबाद के एआरओ की मैदानी चाचनी, उसके साथ साथ वहां का मेडिकल चाचनी भी पूरी हो चुकी है। अब बारी आ जाती है तो लेखी परीक्षा की तैयारी करने की। हमने मैदान तो मार लिया, लेकिन अब बारी है लेखी परीक्षा को जीतने की। देखिए, अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको ये दोनों स्टेप पूरे करनी है। पहला तो आपने कर लिया, लेकिन अब दूसरा बाकी है। तो दूसरा पूरा करने के लिए हम 10 सितंबर 2022 से हमारे छात्रों के लिए, जो हमारे सह्याद्री करियर एकेडमी के छात्र है, तो उनके लिए हमने एक बैच शुरू की है। तो उसी बैच के दौरान हमारी टीम और हमें जो बार बार फोन आ रहे हैं महाराष्ट्र भर से पूरे कि आर्मी भर्ती की बैच, उसके लिए तो सब टीम ने मिलकर हमने तय किया है कि इस साल, लगभग 2 साल जो पिछले कोरोना महामारी के थे और इस साल में जो बारिश ज्यादा हो चुकी है, इसी कारण हमारे ज्यादातर जो किसान भाइयों के बच्चे हैं, उनको उन्हीं सभी के लिए, उन बच्चों के लिए हम मुफ्त, पूरी निशुल्क तरीके से ये बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो बैच है, इस बैच में टोटली कौन कौन किस किस बात की हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो इस बैच में स्पेशली हम सोल्जर जीडी की, ये बैच जो है स्पेशली सोल्जर जीडी के लिए है। उसी तरह ये बैच टेक्निकल, जो अलग अलग पद है टेक्निकल्स के, टेक्नीशियंस हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट्स के पद है, उसी तरह ट्रेडमैन्स के पद है और क्लरिकल के भी पद है। इन सभी पदों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बैच हमने अनाउंस की है। इस बैच में हम क्या क्या करने वाले हैं और कौन कौन सी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, सतीश शिंदे। देखिए, ये जो बैच है, ये बैच का पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, कैसा है स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हमारे यहाँ की सुविधा, कौन कौन सी सुविधाएं आपको उपलब्ध है, उन सुविधाओं के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूं। देखिए भाइयों, हमारे यहाँ जो लेखी परीक्षा का शेड्यूल है कुछ इस तरह है इस बैच का। इस बैच में हम ज्यादा से ज्यादा अगले 2 महीने में, जब तक आपकी आर्मी भर्ती की परीक्षा नहीं होती तब तक आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना करके लेने वाले हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा सक्सेस के चांसेस बहुत रहते हैं। हम प्रैक्टिस कम करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस कम होते जाएंगे। और ये प्रैक्टिस भी किस तरह करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस वो भी स्मार्ट वर्क की तरह होना चाहिए, नहीं तो हम गधे जैसी मेहनत करके, जो मराठी में कहावत है, कौन सी कहावत है कि स्मार्ट वर्क करिए लेकिन गाढ़ो मेहनत नहीं करना, मराठी में कहावत है, गाढ़ो मेहनत यानी गधे जैसी मेहनत नहीं करनी। तो इस बैच में हम पूरी तरह से, देखिए इस बैच का टोटल शेड्यूल मैं आपको बताता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 6 से 9:30 बजे तक आपके सुबह 3 क्लास हो जाएंगे, 3 तास, जिसमें गणित है, विज्ञान है और सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छी तरह से की जाएगी।
ये जो क्लासेस है हमारे यहाँ, जो क्लासेस लेने वाले आपको जो टीच करने वाले प्राध्यापक है सभी, तो वो पूरे तज्ञ है, पूरी तरह से तज्ञ शिक्षक है, जिन्होंने आर्मी भर्ती का हमने जो किताब निकाला है क्वेश्चन सेट है, आर्मी भर्ती का क्वेश्चन सेट, तो वो पूरे प्राध्यापक आपको वहां उपलब्ध है पढ़ाने के लिए। ये जो प्राध्यापक है पूरा लेखक वर्ग है यानी तज्ञ प्राध्यापक वर्ग है। अब इस सत्र के बारे में बताता हूं मैं, 6 से सुबह 7 बजे तक आपका जीएस का यानी सामान्य ज्ञान का लेक्चर हो जाएगा, 7 से 8 बजे तक आपका विज्ञान का लेक्चर हो जाएगा, और 8 से 9 बजे तक आपका 9:30 बजे तक आपका गणित का लेक्चर हो जाएगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट शेड्यूल है सुबह का। उसके बाद शाम को 4 से 6 बजे तक और 2 लेक्चर हो जाएंगे, जिन लेक्चर में आपको बुद्धिमत्ता चाचनी, मेंटल एबिलिटी जिसे कहते हैं हम, मेंटल एबिलिटी और सामान्य ज्ञान, इसके ऊपर हम ज्यादा प्रेस देने वाले हैं, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो दिन में लगभग 5 तास आपका क्लास है, दिन में लगभग कितने तास, 5 तास, 5 आवर्स आपकी क्लास होगी। इन 5 आवर्स में हम गणित और बुद्धिमत्ता, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटीज के, सुबह मैथमेटिक्स का क्लास है और शाम को मेंटल एबिलिटीज का, सुबह साइंस का क्लास है और सुबह को ही सामान्य ज्ञान और शाम को एक सामान्य ज्ञान का क्लास। तो हमारे जो छात्र है, ये छात्रों का सबसे जो हम कहते हैं कि उनका एक कच्चा यानी कि उनकी कमजोरी क्या है, तो महाराष्ट्र में जो बच्चे आर्मी भर्ती की प्रैक्टिस करते हैं उनकी कमजोरी, सबसे ज्यादा कमजोरी एक है, वो है मैथ और साइंस। तो हम इन दो सब्जेक्ट में ज्यादा जोर देने वाले हैं ताकि आपको वहां अच्छे से मार्क पाए जाए। उसके साथ हम हर 2 दिन में आपकी टेस्ट वहां पर अरेंज करेंगे, जो टॉपिक आपके पढ़ाए हुए हैं उन पढ़ाए हुए टॉपिक पर वहां टेस्ट हो जाएंगे, तो जो क्लास में हमने पढ़ लिया वो कितना याद है वो भी समझ में आ जाएगा, और हमें आगे क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हर गुरुवार के दिन आपकी 50 ओवरऑल सिलेबस पर 50 मार्क की एक टेस्ट होगी। एक पहली टेस्ट मैंने बताया कि हर 2 दिन के बाद जो टॉपिक कंप्लीट हुए है उनके ऊपर टेस्ट, और बाद में हर गुरुवार के वीकेंड के लास्ट को, वीकेंड लास्ट वीकेंड को फिर एक वहां पे टेस्ट होगी। उसी के साथ और कुछ तकनीकें यहाँ पर आपको उपलब्ध कर देने वाले हैं, जैसे कि आपको टॉपिक नोट्स अवेलेबल होंगे रिटर्न क्लास में। दूसरी गोष्ट, अलग अलग फॉर्मूलेट्स आपको बता जाएंगे कि किस तरह से आपको उन्हें याद रखेंगे। तीसरी गोष्ट, क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण और एनालिसिस दोनों अलग बात है, तो विश्लेषण में हम उन सवालों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देते हैं, लेकिन एनालिसिस करते वक्त कि हमें कहां मार्क कम आ रहे हैं तो हमें मार्क बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी आपको टेस्ट हो जाने के बाद आपको बताया जाएगा। उसी के साथ शाम को हम आपका ग्रुप डिस्कशन और प्रश्न मंजूषा और उसी के साथ पाठांतर का भी वर्ग लेने वाले हैं। प्रश्न मंजूषा, पाठांतर और ग्रुप डिस्कशन, इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या फायदा हो जाता है, तो ग्रुप डिस्कशन जब आप करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के समय हम जो दिन भर पढ़ते हैं वो हम अपने सामने वाले को बताते हैं, तो हम वो मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। ऐसे हम सिंपल पढ़ेंगे तो याद नहीं करेंगे, लेकिन आपको किसी और को बताना हो तो याद करना पड़ता है, तो वहां पर हम याद करते हैं, और जब याद करते हो तो दीर्घ काल हमारे याद में ही रह जाता है। उसके बाद और एक बात आपको मैं यहां बताने जा रहा हूं कि आर्मी भर्ती और जीडी की तैयारी करते वक्त हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स सेलेक्टेड होने चाहिए, नहीं तो हम कोई भी हिंदी का मटेरियल मिले मार्केट में तो वो उठा
उठाते हैं और वही पढ़ना वही रटना शुरू कर देते हैं। देखिए भाइयों, ये जो अपनी एग्जाम है आर्मी भर्ती की, उसका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मंत्रालय ने, संरक्षण मंत्रालय ने तय किया हुआ है और वो उन्होंने दिया हुआ है। बिल्कुल उसी क्राइटेरिया पर यहाँ आपको सब पढ़ाया जाएगा, हमारे टेस्ट बिल्कुल उसी क्राइटेरिया पर वहां पर ली जाएगी। अब बारी आ जाती है तो इस शिविर में या फिर इस क्लास को अटेंड करने के लिए हमारे कुछ नियम है, कुछ नियम, उन्हीं नियमों के अनुसार आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा। उन्हीं नियमों के हिसाब से आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा। पहला नियम क्या है कि जो उम्मीदवार अभी पुणे और औरंगाबाद एआरओ में फर्स्ट पर्ची और फर्स्ट ग्रुप में आए हैं, केवल उन्हीं को यहाँ मुफ्त में प्रवेश मिलेगा। जो मुफ्त प्रवेश है वो प्रवेश उन्हीं छात्रों के लिए है जो छात्र अभी औरंगाबाद और पुणे एरो में फर्स्ट पर्ची में फर्स्ट ग्रुप में आए हैं। जो सेकंड है उनके लिए नहीं, जो फर्स्ट पर्ची और फर्स्ट ग्रुप के है उन्हीं के लिए यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। उसी के साथ एक और बात याद रखना चाहिए, और जिनका मेडिकल क्लियर है, फर्स्ट पर्ची, फर्स्ट ग्रुप और मेडिकल क्लियर जिनका है, उनकी आईडी देखी जाएगी, उनका जो नंबर है वो देखा जाएगा और उसी के बाद आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा। और एक बात याद रखिए, इस बैच में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास मुफ्त है, आपका रहने का जो खर्चा आता है और जो भोजन का खर्चा है, रहने का खर्चा, भोजन का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम को खाना, ऐसे दो बार जेवण और एक बार नाश्ता, तो ये जो खर्चे है वो आपको भरना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने लगभग इस आपका निवास का, भोजन का और नाश्ते का लगभग हर एक महीने का खर्च 4,500 रुपए आपको यहाँ भरना पड़ेगा और क्लास में क्लास आपको निशुल्क मिलेगी। हमारा ये जो कैंपस है आर्मी भर्ती का जो कैंपस है वो निसर्गरम में कैंपस है। यहाँ आपको 24 तास पानी उपलब्ध है, एरो का पानी पीने के लिए, नहाने के लिए बहुत ही स्वच्छ पानी है उपलब्ध। दूसरी बात, जो कैंपस है वहीं पर क्लासरूम है, उसी के बाजू में आपको निवास की व्यवस्था है, खाना नाश्ता वहीं पे उपलब्ध है, आपको कैंपस छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं आती। कैंपस में हमारे यहाँ बच्चों को मुफ्त में अभ्यासिका मिलेगी, यानी कि पढ़ने के लिए आपको बाहर कहीं जाके अभ्यासिका ढूंढना और उसको 500-1000 रुपए भरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे कैंपस में आपको पूरी मुफ्त, मुफ्त निःशुल्क अभ्यासिका भी उपलब्ध वहां पर ही कर दी जाएगी। एक ही छत के नीचे हमने आपके लिए क्लास, भोजन, निवास और अभ्यासिका, ये सभी सुविधा एक ही छत के नीचे हमने उपलब्ध करके दिए हैं। तो इन सभी उपलब्धियों का और इस हमारे जो सहरी करियर एकेडमी ने आपके लिए ये स्पेशली बैच का अनाउंस किया है, इसका सभी छात्र यहाँ लाभ उठाए, यही मैं आपको विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो ये सुवर्ण अवसर है आपके लिए, सह्याद्री करियर एकेडमी कभी भी कोई भी चीज, कोई भी क्लास मुफ्त में नहीं देती, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने हमें बोल दिया कि सर कुछ तो कम कीजिए, तो हमने क्लास की फीस कम कर दी, लेकिन निवास भोजन की फीस आपको भरनी पड़ती है। तो आपको एक क्लास उसी नियम और शर्तों के अधीन रहकर आपको यहां पर प्रवेश दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और कुछ आपको पूछना है और नाम नोंदनी के लिए हम आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नाम नोंदनी के लिए और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको संपर्क देता हूं, और संपर्क नंबर लिखिए 9767 1 0 0
9876। एक बार मैं नंबर दोहराता हूं, 9767100476। और एक नंबर है 9767100974। ये दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर मैं एक बार आपको फिर दोहराता हूं, यहां पर 9767100974। तो दोस्तों इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी इसी नंबर पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।